ब्रह्म विहार यानी फोर डिवाइन वर्च्यूज, इस पर हम अब तक मैत्री और करुणा पर बात कर चुके हैं। जैसे कि हमने जाना कि ब्रह्म विहार यानी फोर डिवाइन वर्च्यूज होते हैं, एक भिक्षु को, एक साधक को उच्चतम अवस्था ब्रह्म में विहार करने के लिए यह चार गुणों को अपने अंदर पूरी तरह से खिलाना होता है, पूरी तरह से प्रकट करना होता है, उपार्जित और पैदा करना होता है। इसमें हमने मैत्री और करुणा की बात पहले ही की है। आज हम मुदिता पर बात करेंगे। मुदिता फोर डिवाइन वर्च्यूज में से तीसरा है। मुदिता को एम्पैथेटिक जॉय इंग्लिश में कहते हैं। मुदिता एक बहुत ही विशेष गुण है जो कि साधारणतया मनुष्य के अंदर पैदा ही नहीं हो पाता। एक साधारण मनुष्य की अगर बात करें तो मुदिता होती ही नहीं है, क्योंकि मुदिता बगैर स्मृति के, बगैर मन की शुद्धता के पैदा नहीं होती। पहले समझते हैं कि मुदिता होती क्या है। मुदिता का अर्थ होता है कि मन की एक ऐसी स्थिति जो अत्यंत पवित्र भाव है, जिसमें किसी को सुखी देखकर खुशी जागती है। साधारणतया किसी को खुशी देखकर सुखी कब महसूस होता है मनुष्य? माँ के अंदर बच्चे को खुश देखकर एक सुख पैदा होता है। अगर हम संसार की बात करें तो माँ बाप को बच्चे की खुशी देखकर बहुत सुख मिलता है, यह संसार में हम देखते हैं। लेकिन मुदिता इससे भी ऊपर जाती है। मुदिता में माँ बाप और बच्चे का जैसा संबंध भी नहीं है। मुदिता तो किसी भी प्राणी मात्र को सुखी देखकर खुशी का भाव जागता है, ऐसा है मुदिता। इसीलिए जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, जब तक मनुष्य के अंदर, भिक्षु के अंदर, साधक के अंदर प्राणी मात्र के प्रति, जो हमने पहले दो बातें करी हैं, करुणा की और उससे पहले मैत्री की, जब तक मैत्री भाव पैदा नहीं होगा, करुणा पैदा नहीं होगी, मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक मुदिता पैदा नहीं होगी। मुदिता तो बहुत ही विशेष है, क्योंकि यह साधारणतया इस संसार में मनुष्य के अंदर होती ही नहीं। उसका कारण यह है कि हर मनुष्य किसी न किसी अपनी मन की अवस्था के कारण दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखता है, ईर्ष्या और जलन रखता है। एक अंग्रेजी में शब्द है एनवी, जो ईर्ष्या से भी और गहरा जाता है। आपने देखा, हम सबका यह अनुभव है कि जब किसी व्यक्ति की को हम देखते हैं कि उसने कुछ वह पा लिया जो हम नहीं पा सके, तो पता नहीं अंदर से कैसे एक ऐसा भाव जागता है जिसका हमको भी पता नहीं चलता, लेकिन वह बहुत ही रूखा, बहुत ही कड़वा और बहुत ही ईर्ष्या से भरा, एनवी से भरा हुआ होता है। मनुष्य को पता भी नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि उसकी वह तलाश थी, उसकी भी वह तलाश थी, वह भी उसको पा लेना चाहता था। वह कोई वस्तु हो, वह कोई व्यक्ति हो, नहीं पा पाया, और दूसरे को देखता है पाए हुए, दूसरे को देखता है इस्तेमाल करते हुए, बड़ी अंदर से एक ईर्ष्या पैदा होती है। और यह इतनी गहरी है, यह संस्कार इतना गहरा है कि मनुष्य को तो पता भी नहीं चल पाता कि क्यों ऐसा हो रहा है। आपने देखा,
यह हम सब का अनुभव है इस संसार में। किसी ने कोई अच्छा काम कर दिया, किसी ने कोई घर बना लिया, बड़ा घर जो हम भी बनाना चाहते थे लेकिन हम नहीं बना पाए। उसके घर को देखते ही अंदर से एक भाव जागता है, बड़ा अजीब सा। और कहीं कहीं तो वो भाव ऐसा होता है कि उसके एक्सप्रेशन, वो भाव चेहरे पर आने लगते हैं, और कहीं कहीं तो वो भाव और भी ज्यादा होता है कि आदमी रंजिश कर बैठता है, क्रोधी हो जाता है, झगड़ा कर बैठता है। कारण कारण कुछ भी नहीं है। तो यह साधारणतया मनुष्य के अंदर लगी हुई एक ऐसी मैल है, ईर्ष्या और द्वेष की, एनवी की, जो लगभग लगभग सबके अंदर है। और मुदिता इसका बिल्कुल ही उल्टा है। मुदिता की भावना में तो चित्त प्रसन्न हो जाता है किसी और की खुशी देखकर, और दूसरे के लिए हमेशा ही मंगल की कामना उठती है। आपने देखा ना कि भिक्षु अक्सर ही एक दूसरे के लिए मंगल की कामना करते हैं। यह मुदिता को अपने अंदर पैदा करने के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। अपने अंदर से ईर्ष्या द्वेष को, एनवी को जड़ से खत्म करने के लिए दूसरे के लिए मंगल की कामना करने की, करने का भाव बहुत ही अच्छा है। अक्सर क्या होता है कि लोग, एक साधारण मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं, जो संसारी मनुष्य है, वह जब दूसरे की अवनति देखता है, दूसरे की गरीबी देखता है, दूसरे की दुर्गति देखता है, जिससे उसका थोड़ा सा भी कोई ऐसा भाव उसके अंदर है, वह उसका कॉम्पिटिटर है, वह उससे व्यापार में उसी की तरह आगे बढ़ना चाहता है, तो जब उसकी दुर्गति दिखती है, उसकी अवनति दिखती है, उसका दुख दिखाई देता है, तो अंदर से एक संतुष्टि का भाव पैदा होता है। मैं एक साधारण मनुष्य की बात कर रहा हूं इस संसार में। और जो धर्म के नाम पर कर्म कांड करते हैं, वह मनुष्य की इस तरह की अवस्था से फायदा भी उठाते हैं। वह उनको मार्ग से भटकाने के लिए तरह तरह के उपाय सुझाते हैं कि देखो उसकी प्रगति हो गई है, तुम्हारी नहीं हो पाई, तो तुम उसके लिए यह अनुष्ठान करो तो तुम्हारी भी प्रगति हो जाएगी। इस तरह से एक कमाई का जरिया भी संसार में पैदा हो गया। लेकिन मुदिता की भावना से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी किसी भी शत्रु की, किसी भी अपने कॉम्पिटिटर की, किसी भी प्राणी मात्र की तरक्की और खुशहाली पर संतोष और प्रसन्नता का अनुभव करता है। यह मुदिता है। मुदिता उपार्जित करनी पड़ती है, और मुदिता के लिए बहुत गहरा ध्यान करना पड़ता है। मुदिता के लिए अपने आप को संसार से थोड़ा सा खींचकर अलग लाकर रखना होता है। मुदिता के लिए साधारण मनुष्य की स्थिति से ऊपर उठना होता है। अपने आप को अगर हम कॉम्पिटिटर मानेंगे, अपने आप को अगर हम यह मानेंगे कि संसार में यह भी जरूरी है, यह भी जरूरी है, यह भी जरूरी है, और फिर हम दूसरों को देखकर अपनी दौड़ लगाएंगे, जिसको आजकल रैट रेस कहा जाता है, तो फिर हम कहाँ पहुंचने वाले हैं? फिर कहीं ना कहीं इस कॉम्पिटिटर वाली स्थिति से, ऐसी आदत से हमारे अंदर फिर मुदिता पैदा नहीं होगी। जब हमारे अंदर यह भाव होगा
कि हम दूसरे की खुशी से, दूसरे के सुख से, दूसरे की सफलता से, अगर हमारे अंदर कोई भी ऐसा भाव उठ रहा है कि उसको मिल गया मुझे नहीं मिला, तो फिर मुदिता पैदा नहीं हो पाएगी। फिर हमें अपने ऊपर बहुत गहरे में काम करने की जरूरत है। मैं एक साधारण मनुष्य की संसार में बात कर रहा हूं, क्योंकि साधारणतया तो हम मध्य मार्ग में चलते हैं, और मध्य मार्ग में हम संसार में रहते हुए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं, आध्यात्म की राह पर चलते हैं। लेकिन मुदिता के बिना हम उस लैंड में प्रवेश नहीं कर पाएंगे जिस लैंड को हम डिवाइन वर्च्यूज के कारण ब्रह्म विहार कहते हैं, कि ऐसी जगह पर विहार करना, ऐसी जगह पर विचरण करना जो ब्रह्म की जगह है। ब्रह्म को हमने बहुत ही शुद्ध और परम लोक की स्थिति कहा, तो ब्रह्म बिहारी बनने के लिए मुदिता अपने अंदर पैदा करनी होगी, और मुदिता के लिए गहरा ध्यान करना होगा। मुदिता नहीं तो आएगी ही नहीं, क्योंकि दूसरे के प्रति जो हमारी ही तरह का हो और हमसे ज्यादा खुश दिखाई दे रहा हो, तो फिर मुदिता कैसे हमारे अंदर खिलेगी? जरा सोचो, एक साधारण मनुष्य के अंदर, जबकि साधारण मनुष्य भी वही पाना चाहता है। इसलिए मुदिता तो पैदा ही तब होगी जब हमारा ध्यान सिर्फ हमारे ऊपर होगा, हम संतुष्ट होंगे, हम सुखी होंगे, हम संपन्न होंगे मन से, बाहर की वस्तुओं से नहीं, जो संसार पाना चाहता है। फिर तो हम, अगर हम बाहर की वस्तुओं से ही, वस्तुओं पर ही अटके रहे, बाहर के सुख और दुख पर ही अटके रहे, तो फिर हमारे अंदर मुदिता गहरे में पैदा नहीं हो पाएगी। फिर तो हम, क्योंकि हमें भी सब कुछ चाहिए और दूसरे को भी सब कुछ चाहिए, वह तो दौड़ ही रहा है, वह तो संसारी व्यक्ति है, और हमें भी सब कुछ चाहिए और हमें नहीं मिल रहा है, तो हमें जिसको मिल गया है उसके प्रति हमारे अंदर सुख आ पाएगा? जरा सोचो, नहीं आ पाएगा। हम भला बुद्धि से कह दें कि नहीं नहीं हमें क्या लेना देना, लेकिन हकीकत क्या है? बहुत गहरे में अपने मन के अंदर जाकर, अपने हृदय के अंदर जाकर, अनापान सती की तरह ही ऑब्जर्व करना होगा, दूर खड़े होकर अपने मन को। तब पता चलेगा कि हमारे अंदर कितनी मुदिता है, तब पता चलेगा कि हमारे ध्यान की गहराई क्या है। क्योंकि मुदिता तो प्राणी मात्र के लिए है, बुद्ध के अंदर मुदिता है। देखा ना, कोई कोड़ी भी बुद्ध के सामने आ जाए, उनको दिखाई दे, वह उसके लिए, उसके रोग को मुक्त करने के लिए, उसको सुख देने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। हमने सुनी है ना एक गाथा, जिसमें बुद्ध ने एक बीमार व्यक्ति की सेवा की, मुदिता इसको कहते हैं, कि प्राणी मात्र के लिए सहारा बन जाना, और जैसे ही उसको सुखी देखें, जैसे ही उसको खुश देखें, तो उससे ज्यादा सुखी और खुश हम अपने को महसूस करें। इसीलिए तो गुरु माँ बाप से बढ़कर होता है, गुरु के अंदर बहुत खुशी पैदा होती है जब उसका शिष्य मार्ग में प्रगति करता है। गुरु के अंदर मुदिता होती है, बुद्ध के अंदर मुदिता होती है। इस गुण को बहुत गहरे में ध्यान करके हम अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। कल हम उपेक्षा पर बात करेंगे, जो ब्रह्म विहार का चौथा और अंतिम गुण है।